और फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक प्रेस्टिजियस नेशनलाइज्ड बैंक पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। आपको याद होगा कि लॉकर कांड, कानपुर का लॉकर कांड, फिर उसके बाद मास ट्रांसफर्स, 10 ईयर्स जोन में बाहर ट्रांसफर्स, क्लरिकल ट्रांसफर्स और सारे कुछ के बावजूद कुछ दिनों से एक न्यूज फ्लैश कर रहा है मीडिया में और मीडिया इसको पूरी निगेटिविटी के साथ परोस रही है। हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज, मराठी न्यूज, सारे जगह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना क्लोज 13% ऑफ इट्स ब्रांचेज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट ओन्ड कॉमर्शियल बैंक प्लान्स टू शट 13% ऑफ इट्स ब्रांचेज टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल हेल्थ विच हैज बीन अंडर प्रेशर फॉर सेवरल ईयर्स according to sources and the documents seen by the Reuters. The bank is looking to reduce the number of branches by 600 by either shutting down or merging loss-making branches by the end of March 23. According to the copy of document reviewed by the Reuters, it is the most drastic step the lender has taken to improve its finances and will be followed by the sale of non-core assets such as a real estate. The closure of branches has not been reported previously. The more than 100 years older lender currently has a network of 4,594 branches. Friends, ये सारे news flash हो रहे हैं। लगभग 600 branches, branchों की list, zone wise, region wise, state wise। राजस्थान के पेपर कहते हैं कि राजस्थान में इतनी ब्रांचें बंद होगी, यूपी के पेपर्स कहते हैं, महाराष्ट्र के पेपर्स कहते हैं। एक तरह से भूचाल के टाइप का आप बातें समझ नहीं आती कि बैंक एक साथ 600 ब्रांचेज बंद करने के लिए कैसे स्टेप ले सकता है। लेकिन और इसके साथ साथ ही एक कल शाम को मैसेज आया और बैंक ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया और फिर भी जो मेल आया था उसको लगता था कि ये डाउटफुल मेल है, लेकिन वी हैव कंफर्म फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। और उसके बाद बैंक का एक प्रेस रिलीज रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ ब्रांचेज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इस प्रेस रिलीज में ये लिखा गया कि नो डिसीजन एज ऑफ नाउ टू शट एनी ब्रांचेज इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। It is reported in press media regarding closure of branches by Central Bank of India. We hereby inform that there is no decision as of now to close a large number of branches during the financial year 22-23. However, it is a routine exercise for every bank to realign, shift, merge, close upon branches on regular basis to achieve corporate business objectives. We assure our esteemed customers and all other shareholders that their interest is well protected. ये मैसेज यानी डैमेज कंट्रोल का जो प्रेस रिलीज आया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी बैंक 22-23 में कोई मर्जर या ब्रांच शट डाउन नहीं करने जा रही है। इंटरनल क्या पॉलिसी है नहीं पता, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए यह प्रेस रिलीज आया। शुरुआत में ही बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मैसेज मीडिया में नहीं आना चाहिए। मीडिया में आने के बाद एक भौकाल होता है। आप 600 ब्रांचेज एक साथ बंद करने की बात करते हैं, वो कस्टमर के दिमाग पर हैमर करता है। अगर आपको ब्रांच बंद, इट शुड बी इन द फेजेस। ये सही है कि लॉस मेकिंग ब्रांचेज, अनवायबल ब्रांचेज को बैंक अपने हिसाब से मर्ज या क्लोज करती है, लेकिन इस तरह का भौकाल मीडिया में आ जाना हमारे बैंक के रेपुटेशन पे एक धब्बा लगाती है। फ्रेंड्स, ये मैनेजमेंट का काम है कि इस तरह की अफवाहों को रोके। और डैमेज कंट्रोल जब पिछले 3-4 दिन से सारी मीडिया में ये छा गया, तब ये डैमेज कंट्रोल हुआ, ये इमीडिएटली होना चाहिए। बैंक का इमेज सुधारना, बैंक की इफिशेंसी बढ़ाना, बैंक की इफिकेसी बढ़ाना, मैन पावर हैंडलिंग करना, ए बैंक के टॉप मैनेजमेंट का काम है, न कि
केवल आप अफवाहों पे उड़ाने के लिए पहले से आपको कैसे मैसेज रिलीज हो जाते हैं मीडिया में। 600 ब्रांच बांध करना इतना आसान काम नहीं होता है। चलिए अब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि बैंक ऐसे अफवाहों से बचने के लिए अपना सारा जोर लगाएगी ताकि बैंक का परफॉर्मेंस बढ़ सके। इसके बाद एक न्यूज आती है, बैंक का पीसीए से बाहर होगा। द ओनली नेशनलाइज्ड बैंक आउट ऑफ द 12 द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अंडर विद इन द पीसीए फ्रेम। यूको बैंक 8 नंबर 21 से, आईओबी 30 नंबर 21 से बाहर हो गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 17 में पीसीए में आया था अभी तक बाहर नहीं हुआ। यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि 9 मई के बाद जो बैंक का जब रिजल्ट आ जाएगा, वी होप कि ये बैंक पीसीए से बाहर हो जाए, क्योंकि पिछले 3 तिमाहियों से बैंक का मुनाफा 200 करोड़ से ऊपर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बैंक पीसीए से बाहर आएगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और पीसीए से बाहर आने के बाद बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नेशनलाइज बैंकों में होना चाहिए। मैनेजमेंट को सबसे बड़ा ध्यान 2 बातों पे ध्यान है, बैंक का बिजनेस, कस्टमर केयर और मैन पावर मैनेजमेंट। अगर मैन पावर मैनेजमेंट बैंक नहीं ठीक से कर पाती है तो शायद कस्टमर सर्विस और फिर आपका रह गया बिजनेस एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी। हाँ, मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए किसी भी बैंक का इमेज, क्योंकि हर पेपर में अलग अलग से बात आ रही है, बैंक संकट में है, बैंक ने 600 बंद करने जा रहे, ब्रांचेज बंद कर रही है, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे मराठी में हो। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।